नेता जी, आज मतगणना चल रही है और कैसरगंज बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। आपने भी कहा था कि कैसरगंज बड़ी जीत होगी, क्या कहेंगे आप? कैसरगंज की जीत बड़ी जीत ही होनी है। हमको लगता है कि आसपास इधर जो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे उसमें कैसरगंज का अंतर रहेगा, अन्य सीटों की अपेक्षा बहुत अधिक अंतर रहेगा। अच्छा, विपक्ष इस तरीके से कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये पेशबंदी कर रहे हैं, ये हल्का बयान है। और चुनाव आयोग और जो हमारी व्यवस्था है, चुनाव की प्रक्रिया है, उस पर विश्वास करना चाहिए। अब जनता जो भी जनादेश देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। जब इनकी सरकार बनती है तब ईवीएम नहीं खराब रहता है। दिल्ली में कौन सा चुनाव हुआ था? बैलेट से हुआ था। अब जब ये हार जाते हैं तो सारा ठीकड़ा जो है ये फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जयराम नरेश ने ये कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अलर्ट रहें, और अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कि ये बयान किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कार्यकर्ता सतर्क रहें, ये बयान तो अच्छा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने कार्यकर्ताओं को कह सकती हैं कि वो सतर्क रहें, जाकर के मतगणना कराएं। लेकिन ये कहना कि गृह मंत्री जी ने 150 चुनाव से संबंधित अधिकारियों को फोन किया है, ये बात जो है हजम नहीं होती है और उनके पास इसका प्रमाण भी नहीं होगा। लेकिन चुनाव है, वो नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। हरियाणा में क्या स्थिति होने वाली है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा का रिजल्ट है।